आपके साथ। हर शुक्रवार को लगने वाले पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में एक मामला केंद्र के खिलाफ ही आया। आरोप है कि परामर्श केंद्र के सदस्य रविंद्र कुमार शाह एक महिला को फोन कर प्रताड़ित करते हैं, जिसके पास लोग किसी भी समस्या के लिए परामर्श लेने जाते हैं, अगर आरोप उन पर ही लगाया जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पेशे से शिक्षिका सुनीता कुमारी ठाकुरगंज की रहने वाली है। ठाकुरगंज के ही एक स्कूल में यह सहायक शिक्षिका है। इनका आरोप है कि हर रोज कभी भी कॉल आता है और उन्हें धमकाया जाता है। कॉल करने वाला खुद की पहचान परामर्श केंद्र का सदस्य रविंद्र कुमार शाह के रूप में बताता है। कॉल करने वाला परामर्श केंद्र बुलाने की बात कहता है और न आने पर धमकी देता है कि ठाकुरगंज से जबरदस्ती उठा लाएंगे। इतना ही नहीं, जिस विद्यालय में यह पढ़ाती है वहां के भी प्रधान शिक्षक व अन्य सदस्यों को धमकाया जाता है। पीड़िता सुनीता मानसिक रूप से खुद को प्रताड़ित महसूस कर इस परेशानी को लेकर पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा के पास आई। मुझे आर के शाह के द्वारा धमकी दिया गया है, धमकी धमकाया जा रहा है। उसके बाद उनका कहना है कि जो मैं आर के शाह एसपी कोठी से एसपी बोल रहा हूँ, मुझे आपको परामर्श केंद्र में बुलाया गया, आप क्यों नहीं उपस्थित हो रही हैं, और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। रात को 11 बजे किसी वक्त भी फ़ोन करते हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से भी कहा जा रहा है कि उस शिक्षिका को स्कूल से आप बाहर निकाल दीजिए। वो कहाँ जाती है, किस समय कहाँ जाती है, वो ये भी बताइए हमको डिटेल। हम उस एसपी को नहीं जानते हैं सर, उस आर के शाह को नहीं जानते हैं, ना हम पहचानते हैं सर। आर के शाह कौन जी? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं सर। कोई मैटर हमारा एसपी पुलिस परामर्श केंद्र में था प्रभारी, उस मैटर को लेके वो हमें धमकाया जा रहा है। हम ठाकुरगंज फारावाड़ी आरके मेमोरियल में पढ़ाते हैं जी सर। जी नंबर देके हम आवेदन देने आए हैं पूर्णिया के एसपी ऑफिस में। क्या लगता है, किसी पे शक नहीं सर? जी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता देवी है। ठाकुरगंज फारावाड़ी ठाकुरगंज थाना है सर। पूर्णिया में आप आवेदन दे रहे हैं? जी सर, पूर्णिया परामर्श केंद्र से हमें आवेदन मिला था और पूर्णिया परामर्श केंद्र में ही हमें बुलाया गया था, इसलिए आवेदन पारिवारिक मामला के कारण। जी पारिवारिक मामला है सर उससे। आपका घर का मामला? जी सर, हमारे घर का, हमारे पति और हमारे ससुराल वालों का मैटर है सर। जी सर। जी सर, अब उसके बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं सर। मेरा पति का नाम पवन कुमार है। की बात आपके साथ।